फिलहाल अगले दर्शक अरुण लखनपाल जी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। नमस्कार अरुण जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। मैडम एक्चुअली मैंने लोन लिया था, हाउसिंग लोन, इन 2005 में, ओके, ऑन फ्लोटिंग रेट, दैट वाज 7.25% दैट टाइम, एंड नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13.25%। ओके, आई एम पेइंग इट एंड आई हैव टेकन इट फॉर 6 लाख रुपीज। ओके, आप बता सकते हैं, जैसे जी आप बता सकते हैं आपका आउटस्टैंडिंग अब कितना रह गया होगा 2005 से? आप will be approximate 5.45. All right, and you want to shift this because आपको काफी interest rates देने पड़ रहे हैं, 13.25 थोड़ा high है। Because the newer floating rate they are offering to the new customer, that is 10.15 only. Right, absolutely. चलिए जानते हैं कि अब आपके पास क्या options हैं और अगर आप change करेंगे कुछ processing fees वहाँ भी देनी पड़ेगी तो cost effective क्या रहेगा? हर्ष सर आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? आपने सुना काफी ज्यादा ये फिलहाल ब्याज दर दे रहे हैं, क्या पहले अपने ही बैंक से बात करना बेहतर रहेगा? हाँ, अपने बैंक से बात करना बेहतर है, सिर्फ इसलिए कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो रिलेटिवली सिंपलर होगा, ये लेकिन उसके लिए आपको शायद एग्जिस्टिंग बैंक्स थोड़ी कीमत चार्ज कर सकते हैं, कर भी सकते हैं ना भी करें। पहली बात तो ये पीएलआर बेसिस पर इनका लोन है, 2005 में बेस रेट सिस्टम नहीं था, तो बेस रेट सिस्टम में वो शिफ्ट करने के लिए बैंक को कह सकते हैं, दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, उसके लिए बैंक पैसे चार्ज नहीं कर सकती। उस बेसिस पर वो क्या ऑफर कर रही हैं वो देख लें, अगर वो 10.15 या 10.25 जो एक मार्केट की करंट रेट है वो अगर ऑफर कर रही हैं, तो अगर बिना चार्ज के कर रही हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा चार्ज देना भी पड़े सेम बैंक को तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंपलर है, लेकिन अगर ये बैंक नहीं दे रही है, आनाकानी कर रही है, तो आप इसको लोन को शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बैंक कोई भी प्री पेमेंट चार्ज आपसे नहीं ले सकता, नए बैंक में भी नॉर्मली प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह होता है, लेकिन उनको चूंकि अच्छा कस्टमर मिल रहा है तो वो कई बार इसको वेव कर देते हैं या बहुत ही नॉमिनल रख लेते हैं। इनके साथ लखनपाल जी के साथ सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है कि इनका जो लोन अमाउंट है 5.5 लाख का वो शायद ज़्यादा नहीं है, तो नई बैंक इतनी ज़्यादा कीन नहीं होगी, या इवन नॉमिनल चार्ज है 2-3 हज़ार का भी चार्ज होगा वो हाई चार्ज हो जाता है, तो इसके लिए ये अगर एग्जिस्टिंग बैंक से बात करके उन्हीं से 10.15-10.25 तक का करवा लें तो इनके लिए बेहतर होगा और ये बेस रेट पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। अभिषेक आप अग्री करेंगे इस बात से कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा ज़्यादा अगर ये ट्रांसफ़र करते हैं, पहले कि अपने ही बैंक से बात करें या कुछ और ऑप्शन भी है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए वेरी सिंपल चीज़ ये है कि अगर खुद के अपने बैंक से बात करते हैं तो जैसा हर्षी ने बताया कि इनके जो प्रोसेस होंगे काफ़ी कम हो जाएंगे, अगर ये नए बैंक में शिफ्ट करते हैं तो वो पूरा दे विल कंसिडर एज ए फ्रेश लोन, तो जो भी इनका यू नो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एज अ फ्रेश लोन वो सारा करना पड़ेगा, प्लस इनको जो ओबियसली आउटस्टैंडिंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस बैंक देना पड़ेगा। कई बार क्या होते हैं कि बैंक जो होते हैं ओबियसली वो बैलेंस ट्रांसफर अपने खुद के बैंक से दूसरे बैंक में डिस्करेज करते हैं, तो ऑन पर्पस डिले भी करते हैं, जैसे इनको अगर आउटस्टैंडिंग लेटर लेना है तो कई बार बैंक इसमें डिले करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें इनको टाइम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगेंगे, कई बार होता है कि प्रोसेसिंग फी माफ़ ना हो, क्योंकि जैसे हर्ष जी ने बताया कि इनका लोन अमाउंट कम है, तो डेफिनेटली इनको एज अ फर्स्ट स्टेप अपने खुद के बैंक से बात करें और इसको कम करवाने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है सारी कैलकुलेशन करें, ये डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे बैंक में भी। चलिए अरुण आपके लिए दोनों एक्सपर्ट्स की राय यही है, हालांकि आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, लेकिन आपको एक राय दी गई है कि पहले आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक जो आपने बताया था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से आपने लिया हुआ, वहाँ पर एक बार बातचीत करके देख लें, देखिए क्या कुछ वहाँ पर निकलता है रिजल्ट आपकी मीटिंग के बाद, उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा नहीं रहेगा लुकिंग एट द फैक्ट कि प्रिंसिपल अब जो आउटस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। एक और सवाल शामिल करेंगे।